तो दो ही ले लिए चाहे बोतल ले। कौन सी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मम्मी तैयार हो रही है अभी माड़ी पे जाने के लिए, और मायरा भी उठ गई है। यहाँ मायरू हेलो तो कर दो, पानी में डालना। हेलो हेलो, आप सब कैसे हो? जय श्री कृष्णा। मैं तैयार हो गई हूँ माड़ी के लिए। अब मैं माड़ी जा रही हूँ और ये यहीं पे रहेंगे बच्चे। अब शाम हो गई, यहाँ रुके हम मोमो खाने के लिए। मैं और मेरी दरानी हम दोनों खाएंगे मोमो। बहुत रस हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा। तो दो प्लेट हम मोमो खाएंगे, कुछ हम पैक करवाएंगे बच्चों के लिए। तो आप देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है। ताई हमारे लिए मोमोज लेके आई हैं और अब हम इन्हें खाएंगे। भाभी यहाँ पर हलवा बना रहे हैं, भाभी ने यहाँ पर सब्जी बना दिया है, अभी हम रोटी बनाएंगे। बर्फी खा रही मायरा? मायरा खा रही प्रसाद, प्रसाद खा रही है मायरा। मायरा को प्रसाद अच्छा लगता है। इधर देख, इधर हेलो कर दो। हेलो हेलो। ये देख इसमें से ही निकल रहा है ये पानी। देख के आई हो जरा, मैंने डाला कढ़ाई में तेल। मैं ना ऐसी कढ़ाई रख के आ गई, चल अभी डालते रुक जा। तो मैं अभी गई थी मार्केट, आज सुबह खाने थे चिप्स। हमारे पड़ोस में यहाँ एक शॉप है लेकिन वो बंद है, तो अक्षु को मैंने उसमें भेजा था कि जा वहाँ से ले ले जाके। तो वो कह रही थी बंद है और दिन में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ज़्यादा दूर इसको भेज नहीं सकते हम। तो मैं अभी खुद गई थी इसके लिए चिप्स वगैरह लेने, तो मैं अभी लेके आई हूँ। तो ये अभी खाएगी चिप्स है ना, और अभी मोमो भी खाए हैं। तो मैंने इसको बोला अभी छोटा पैकेट खोल ले, क्योंकि अभी मोमो वगैरह भी खाए हैं और चिप्स का बाद में खा लियो। कह रही ठीक है। और खाना वगैरह मैंने बना लिया है, मतलब दाल को तड़का लगाना है बस, तो वो मैं भी लगा रही हूँ दाल को तड़का। और सब्जी वगैरह बना ली है मैंने, आटा भी गूंद के रख लिया है, क्योंकि खाना तो आजकल हमारे लेट ही हो रहा है, नहीं तो पहले तो हम 7:30 तक खा लेते थे खाना, और आजकल लेट हो जा रहा है हमारे यहाँ खाना वगैरह, क्योंकि दिन में कुछ खा लेते हैं ऐसे तो फिर भूख लगती नहीं है ना जल्दी से, तो इसलिए। और अक्षु जी, अक्षु का भी मन नहीं है अब जाने का, आज जाना था इसको घर लेकिन हमने मना कर दिया, आज नहीं जाएगी तू कल जाएगी। तो अब ये कल जाएगी, कल भी देखते हैं जाएगी कि नहीं जाएगी, अभी तो उसकी छुट्टियाँ ही हैं, फिर तो बेचारी ने स्कूल ही जाना है इसने। अरे बजा दो, ये कल मेले से लेके आई थी, अब बजाएगी बेटा, बजाइयो ऐसे, बजा दो उसको एक बार, बजा के दिखा दो, बजाओ तो मायरा भी सो के उठी है बस। तो यहाँ मैंने रख दिया ये प्रसाद बना के, और मेरा तेल हो गया था गरम, एक साइड मैंने उबाल दी है दाल और एक साइड रखा हुआ है दूध, और वहाँ पड़े हैं बर्तन अभी लगाने के लिए। और उसके बाद मैं कर रही हूँ अभी यहाँ तैयारी दाल छौंकने की। तो बस अभी जीरा और प्याज मैं एक साथ ही डालूँ, क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है ना, तो फिर
जीरा और हींग एकदम से जल सा जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ये इकट्ठा ही डाल दिया है प्याज और जीरा, तो ये जलेगा नहीं, और ऊपर से हींग डाल दिया फिर मैंने इसमें। तो उसके बाद मैं अपनी दाल छौंक लूँगी यहाँ पे। काट रही हूँ अभी बारीक बारीक, क्योंकि दाल में अच्छा लगता है हरा धनिया। तो यहाँ मेरा मसाला भी हो रहा है, एक साइड दूध रखा है और बाकी धनिया मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि धनिया था बहुत ज़्यादा, ये कल लिया था हमने सब्जी वाले से ना, तो ये फ्रेश था बिल्कुल। तो इसको मैं अभी दाल में भी डाल लूँगी और भिंडी की सब्जी में भी डाल लूँगी, और काटते हैं फिर धनिया। मसाले का वेट कर रही हूँ मैं, कब होगा कब होगा। और मैं ना कैंची से काटना पसंद करती हूँ धनिया, क्योंकि चाकू से हाथों में कट कट सा लग जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ मैं टमाटर चेक कर रही हूँ कि हो गए हैं कि नहीं, उसके बाद मैं ये मसाला डाल दूँगी दाल में। हम मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ मोस्टली दाल ऐसे ही बनती है, पहले हम उबालते हैं उसके बाद ही तड़का लगाते हैं, कोई डायरेक्ट तड़का लगा के बनाता है और हम ऐसे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे ही खाते हैं दाल। तो बस मैं देख रही हूँ अभी टमाटर मेरे गल गए हैं कि नहीं गल गए, क्योंकि आजकल के टमाटर में बहुत टाइम सा लगता है गलने में, तो बस बार बार वही चेक कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा मसाला हो चुका है, इसको मैं डाल दूँगी अब दाल में। तो और मैं अब इसको दाल में डालने की तैयारी कर रही हूँ, तो बस ये डालती हूँ मैं दाल में। दाल तो मेरी उबली भी है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अब मैंने मसाला डाल दिया है और एक खद्दा लगवा दूंगी मैं, और उसके बाद डाल दूंगी इसमें हरा धनिया। तो थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि दाल ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी ना, रखे रखे गाढ़ी हो जाती है दाल, और कल तक और भी गाढ़ी हो जाएगी ये, क्योंकि थोड़ी सी तो बची जाती है रात को, तो हम वो फ्रिज में रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है, और ना चावल भी थे रखे हुए इसके साथ खाने के लिए, लेकिन जब खाने का टाइम हुआ था तो उस टाइम मैं भूल गई वो चावल खाना। तो अब देखते हैं, खाती हूँ कल दिन में, रखे हुए थे मैंने वहाँ पे। और अब ये धनिया रखा है काट के, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी
दाल में, और उसके बाद मेरी दाल बनके हो जाएगी तैयार। और थोड़ी सी धनिया मैं भिंडी की सब्जी में भी डाल दूंगी। तो बस मैं डाल रही हूँ अभी भिंडी की सब्जी में धनिया। तो दूध अभी मेरा उबला नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और वो देखो मैंने कुकर में चावल बना के भी रखे थे, लेकिन चावल हमारे यहाँ ज़्यादा खाता नहीं है कोई, चावल रोटी खाते हैं ज़्यादा, तो चावल हमारे घर में बनता भी नहीं है ज़्यादा। कभी कभार मन करता है तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुलाव वगैरह तो बनता है, बाकी ये नहीं बनते चावल। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, तोता तोता पीले रंग का तोता, मोंगुलाई पीले रंग का तोता और चोंच उसकी ऑरेंज कलर की। यहाँ दाल भी मेरी बनके हो गई है तैयार। दाल को मैंने तड़का लगा दिया, धनिया डाल दिया, थोड़ी देर में इसमें खद्दा लगवाऊंगी, फिर इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है, यहाँ आटा गूंद लिया है। और इधर मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी। बस तो खाना बन गया, फुलके लगाएंगे गरम गरम। अभी बना रही है भाभी रोटी, फिर हम खाएंगे खाना। ले, और ये पानी रख दिया ग्लास में, ठीक है, ये भी लेके जाइयो, ले जा। पैन वगैरह हमारी साफ हो गई थी, हम सब ने तो खाना खा लिया था, लेकिन मेरे भैया बचे थे तो भाभी उनको खाना डाल रही है, फिर हम सोने की तैयारी करेंगे। तो मैं इनके लिए लेके जा रही हूँ यहाँ पे खाना, क्योंकि यही रह गए थे, ये मार्केट से लेट आए थे और ये खाएंगे अब खाना। हम लोग खा चुके थे खाना, यहाँ मम्मी और ये बैठ के अभी बातें कर रहे हैं, और पोगो देखो डांस कर रही है वहाँ पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड, मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पोगो की मस्ती चलती रहती है।